वेलकम एवरीवन। तो प्रीवियस क्लास रे हमें कोड पढ़िथिलु ऑक्सीडेशन स्टेट ए सब किछि प्रॉपर्टी हमें देखिथिलु। तो सेडी स्लाइटली हमें स्टार्ट कर दैथिलु हमरो हैलोजन एसिड विषय रे टिके इंट्रोडक्शन दैथिलु। हैलोजन एसिड रे सेडी टिके कोन आइडिया दैथिलु जे हाइड्रोजन तमरो हैलोजन सहित कंबाइन करले, जस्ट लाइक हैलोजन मींस तमरो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सहित कंबाइन करले, इट विल गिव्स ए कंपाउंड HX कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड एज हैलोजन एसिड। व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विथ फ्लोरीन देन इट गिव्स HF, सिमिलरली विथ क्लोरीन HCl, इन द डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन होता। और तक रेट ऑफ रिएक्शन टा समस्त सामान होता जो डिपेंड करता तर क्या रिएक्टिविटी जोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड होता आ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो से सब मोस्ट रिएक्टिव किए थी फ्लोरीन, जो वेरी क्विक रिएक्शन करता इवन तार कौन एनर्जी दरकार नहीं, डार्क मीडियम भी सी हाइड्रोजन सहित कंबाइन करके एच एफ प्रोडक्ट देदेव। बट तौर तौर जो जाते बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ुला और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कमुला तार रेट ऑफ रिएक्शन स्लोली स्लोली कमुला डिक्रीज करता। क्लोरीन दरकार होता तुम सनलाइट, ब्रोमीन कौन जाता हिट आउला तुम आयोडीन कौन जाता कैटालिस्ट हाँ। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन आम नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में हैलोजन एसिड विषय दे। तो आज से पुणी एक्सपांड करू कंटिन्यू करूँ तार प्रिपेरेसन देखू आ तार प्रपर्टी पर्यटन आम जीव। तो जो टुडे लेक्चर रोते मेन मेन हाइलाइटेड पॉइंट कौन कौन प्रिपेरेसन अफ HF एंड HCl। एक्चुअली हैलोजन एसिड तो चार प्रकार HF, HCl, HBr, HI। तो प्रथम देखिए प्रिपेरेसन अफ HF एंड HCl, फर्स्ट इनिशियल स्टेज आम HF और HCl को प्रिपेरेसन करवा, सेकेंड स्टेज आम HBr और HI को प्रिपेरेसन करवा। कहीं HF सहित HF HCl सहित HBr और HI को इनक्लूड करना से पढ़ाला समय कहि ताले फर्स्ट प्रिपेरेसन अफ दी जन को देखा, सेकेंड प्रिपेरेसन HBr और HI को देखा। ये दुटा कम्प्लीट हो सारा प्रिपेरेसन देखा दर फिजिकाल प्रॉपर्टी कलर कमी का देखापी गैस के लिक्विड ये सब स्टेट डिस्कशन करवा। तो यहाँ कम्प्लीट हो सारा नेक्स्ट आम मुव करवा स्टेबिलिटी केमी का स्टेबल हे, लो स्टेबिलिटी, हाई स्टेबिलिटी, बहुत टेम्परेचर गेन करेंगे ना लो टेम्परेचर ब्रेक करेंगे, ये सब डिटेल पार्ट को आम तार स्टेबिलिटी को मेनशन करवा। जीवन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से जो तुम HX बॉन्ड अच्छी हाइड्रोजन और हैलोजन भितर बॉन्ड अच्छी जो भांगे जो एनर्जी दरकार दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एम अलग कौन हम के तो समस्त सामान हमें ना व्हाट इज व्हाट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या बेसी दरकार क्या कम दरकार ए डिटेल आम देखा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जहाँ बेसी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से मोर थर्माली स्टेबल हम, जी कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से लेस थर्माली स्टेबल हम। तो ये डिटेल आम से जानवा। जी डाइपोल मोमेंट ए दिज भितर जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन अच्छी व्हेदर इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन मिडिल साइड ऑफ द टू एटम, दुटा एटम मिडिल साइड रही है और व्हेदर इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स एनी साइड ए साइड और बी साइड, एक्स साइड और एक्स साइड, ए सब डिटेल आम ये तरह डाइपोल मोमेंट डिस्कशन करवा। नेक्स्ट जी एसिडिक स्ट्रेंथ, तो आपको प्रोबेबिलिटी कैपेबिलिटी एच प्लस आयन डोनेशन रही है, इजिली एच प्लस आयन डोनेट करेंगे ला लेस इजिली एच प्लस आयन डोनेट करेंगे से सब देखा तरह एसिडिक स्ट्रेंथ रे। नेक्स्ट मूव करवा रिड्यूसिंग नेचर, जहाँ एसिडिक नेचर बेसी जे एच प्लस आयन दे पड़ी दैट मीन इट हैज रिड्यूसिंग एबिलिटी अल्सो हाइएस्ट। ताल कहीं एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग कैरेक्टर, एसिडिक रे भी एच प्लस आयन दबो और रिड्यूसिंग रे भी एच प्लस आयन दबो, तो दुटा सारा कथा सामान जनकर गोटे कनसेप्ट आम पाइले आरटार भी कनसेप्ट सामान हो। लास्ट टाइम देखा इचिंग अफ ग्लास, इचिंग अफ ग्लास मीनस इच मीनस कौन कुंडेवा, इचिंग अफ ग्लास ग्लास कुंडेवा मीनस ग्लास तुम इच करके विभिन्न डिजाइन कै कौ हैलोजन एसिड और कौ भरिया रिएक्शन कै ग्लास डिजाइन करने आर्ट करने को प्रकार हैलोजन एसिड को यूज कराए ये विषय डिटेल देखा। तो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट पार्टिकुलरली ये तुम कहली ये विभिन्न समय बहुत समय सर्ट क्वेश्चन पड़े रिएक्टिविटी ऑर्डर विभिन्न ऑर्डर पचारे, तो ये प्रश्न टाइम भलसे देखिए क्लियर। तो देखा नेक्स्ट मुव करवा प्रिपेरेसन फर्स्ट देखा HF एंड HCl। देख सी कौन हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड को आम कमी प्रिपेरेसन करिया, वेरी इजी प्रिपेरेसन
ना कौन कर जीवो सॉल्ट ऑफ फ्लोराइड और क्लोराइड नला जे कौन सी सॉल्ट सॉल्ट ऑफ फ्लोराइड और सॉल्ट ऑफ क्लोराइड को ट्रीटमेंट करिबा कहां से कंसंट्रेटेड H2SO4 तो सल्फ्यूरिक एसिड सहित तुम ट्रीटमेंट हबो सॉल्ट ऑफ क्लोराइड और सॉल्ट ऑफ फ्लोराइड क्लियर तो अगर उड एग्जांपल ने भी वो सॉल्ट ऑफ फ्लोराइड धरनली कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 क्लियर CaF2 को रिएक्शन करा गला सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सहित हमें रिएक्शन करले क्लियर तो वर्तन हाइड्रोजन कंबाइन करिवो का सहित फ्लोरीन सहित आ तुम कैल्शियम कंबाइन करिवो का सहित सल्फेट क्योंकि Ca2 प्लस SO4 2 माइनस तो ये आ सहित कंबाइन करो H प्लस F माइनस सहित कंबाइन करिवो तो फाइनली वी कैन गेट 2 मोल्स ऑफ H प्लस CaSO4 प्रोडक्ट अगेन तले कैल्शियम फ्लोराइड दिस इज अ सॉल्ट व्हेन कंबाइन विद सल्फ्यूरिक एसिड देन इट गिव्स हाइड्रोजन फ्लोराइड क्लियर सेमिति जतो हम नै नवा सोडियम क्लोराइड NaCl को रिएक्शन करिबा सल्फ्यूरिक एसिड सहित H2SO4 सहित रिएक्शन करिबा तले 1 मोल ऑफ क्लोरीन कंबाइन विथ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन HRO-CN सहित कंबाइन करिवो देन वी गेट HCl प्रोडक्ट पाइ जिबा तले एथे गुटे आउ रही गला कोन गुटे एज मारि गला पर HSO4 HSO4 विल कंबाइन विथ Na टू गेट NaHSO4 वेरी सिंपल प्रोसेस टू गेट द हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोडक्ट नवाक पड़ी बगर करेस्पोंडिंग क्लोराइड करेस्पोंडिंग क्लोराइड साल्ट नवाक पड़ी बो सल्फ्यूरिक एसिड से इधर ट्रीटमेंट पड़ी बो करेस्पोंडिंग हाइड्रोक्लोरिक और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड पाई बो क्लियर देखा ताले स्टेटमेंट लगाओ व्हेन साल्ट ऑफ फ्लोराइड एंड क्लोराइड व्हेन साल्ट ऑफ फ्लोराइड एंड क्लोराइड ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड treated with sulfuric acid then formation of corresponding halogen acid like HF and HCl like HF and HCl क्लियर एडम द इक्वेशन ओके नेक्स्ट हमें मूव करिबा HFCl प्रिपरेशन करिया पड़े हमें जीवा नेक्स्ट HBr और HI का प्रिपरेशन एडिंग करो प्रिपरेशन ऑफ HBr एंड HI preparation of HBr and HI अच्छा बर्तन में बर्तन कोई अपन जाओ जी पॉइंट था कहीं कि HFCl सही तो HBr और HI को इंक्लूड करा गला नहीं बोल से सुनो अच्छा जेमी क्या में कैल्शियम क्लोराइड से तो सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्शन कर ले HF और HCl पाई वाले सही बोले तो एक्जेक्टली हम रिएक्शन करी था अंति कल कौन ही था NaBr के रिएक्शन कर था अंति हाँ कि ना कहां से इधर रिएक्शन करता हूं थी सल्फ्यूरिक एसिड से इधर रिएक्शन करता हूं थी 2 मोल्स ऑफ द NaBr ले था थी पहले कौन प्रोडक्ट पाई था थी HR और ब्रोमीन से तो कंबाइन नहीं था था तो फाइनली वी कैन गेट हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड दैट सोडियम कंबाइन विद सल्फेट तो गिव Na2SO4 ओके ना समिति यदि हमें सोडियम आयोडाइड नहीं थांते और सल्फ्यूरिक एसिड से इधर ट्रीटमेंट कर थांते तो व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म दैट आयोडीन विल कंबाइन विद हाइड्रोजन एंड गिव हाइड्रोजन आयोडाइड एंड द पॉजिटिव पार्ट कैटायन कंबाइन विद द नेगेटिव पार्ट एनायन टू गिव सल्फ्यूरिक एसिड Na2SO4 तो हम स्टेटमेंट थिला जे HBr HI को ए प्रोसेस रे हम तैयार करबा नहीं सेपरेट कर थिले तो तैयारी करी गबन यदि तो तैयारी ही गला ना तैयारी हेई परिबो बट दिस इज नॉट स्टेबल दैट विल बी ऑक्सीडाइज कन्वर्ट हिजबो केंति का हबो ना देखो वर्तमान HBr और HI रा के डिमेरिट्स कोन देखिबा ना हाइड्रोजन ता छोटो साइज अछि आयोडीन ता तमरो लार्ज साइज अछि आको भीतर के भी इफेक्टिव ओवरलैपिंग ही परिबो की डेफिनेटली ओवरलैपिंग ता बहुत दुर्बल अछि कहीं छोटो एटम को उड़े बड़ो एटम रे इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो पाए नहीं दैट मींस वीक बॉन्ड माने भांगीबो होची भांगीबो माने इ कोन हरिबो H+ आयन जे
ये H प्लस आयन दिया था तो कौन कौन थी, रिड्यूसिंग एजेंट और एसिडिक, ओके ना। तले ये उन्हें रिड्यूसिंग एजेंट के HI, HI का शब्द वैसे रिड्यूसिंग करेक्टर ड्यू टू इट्स लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ड्यू टू क्विक ओवरलैपिंग बिटवीन टू हाइड्रोजन एंड आयोडीन एटम, बुझेला। हाइड्रोजन ब्रोमाइड रो थिक स्ट्रांग ओवरलैपिंग व्हिच इज नॉट एज मच एज पॉसिबल टू होल्ड द टू एटम स्ट्रांगली, इतने स्ट्रांग ओवरलैप है नहीं जोड़ा दीजों को धरिकी रखी पारिबो। हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड कंपैरेटिवली माने करो लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, that's why they are behave as a good reducing agent, so a good reducing agent of behave correctly, bujhela tale ei kotha ta kahi ki mu HBF au HCl re koi ji nahi na ithi koi pali ni ithi pai na H ho small size chlorine b small size tale di ta small size bitre overlapping bi barabar overlapping hobo tar mane strong bond formation hobo, strong bond kon easily bhangi jibo ki tale reducing character tar ba kom जो HB जो HF और HCl इतला दैट हैज अ स्ट्रांग बॉन्ड, दे आर नॉट इजीली डीकंपोज, दे आर नॉट ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, से पैसे का काम से कोई नहीं, बट दे हैव द वीक बॉन्ड दैट मींस दे शोइंग द रिड्यूसिंग करेक्टर एंड रिड्यूसिंग नेचर देखो चंती, क्लियर हो गलो। ताले हमने जान गेले HBr और HI ला गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर। ए माने H दबा पई चाहू चंती। अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड विषय जानवा, सल्फ्यूरिक एसिड जो तुम डिकम्पोज करे एटी कौन भरे जल वाटर भरे आउ कौन भरे तुम सल्फर डाइऑक्साइड भरे आउ भरे कौन नेसेंट ऑक्सीजन के भरे तले जिए तुम ऑक्सीजन डोनेट करे ताको कौन कौन दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जिए तुम हाइड्रोजन डोनेट करे ताको कौन कौन दी रिड्यूसिंग एजेंट माने गोटे बिकर भीतर तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट भी अच्छी दीदीटा जिनस अच्छी जड़े दबा पाई चाहूँ आ जड़े नवा पाई चाहूँ रिएक्शन आप अटकव रिएक्शन हम ये दब सीए नब बुझिपाल कि नहीं तो जदि ये रिएक्शन मुझे क्लीयर एच बी एल एच आई मुझे बट से स्टेबल हम ना ये मैंने प्रोटोन देवे देवे होती ये अक्सीजेन देखा प्रोटोन को नब नब हो तो रिएक्शन जीव तो हम तेल फाइनाली कौन रिएक्शन ना तुम एच टू एस ओ फोर डिकम्पोज कर तो एच टू एस ओ फोर डिकम्पोज कर फॉर्मेशन हम वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस नेसेंट ऑक्सीजन भरी गला ताले बर्तमान ये हाइड्रोजन दब कौन ये अलरेडी नेसेंट ऑक्सीजन दे सारे रिएक्शन आगे ना ताले कौन हम एच आई फॉर द ट्रीटेड विथ नेसेंट ऑक्सीजन टू गिव वाटर एंड व्हाइट आई टू दिस इज वोलेटाइल सॉलिड ताले कौन फॉर्मिंग होला वाटर और आई टू एच आई कौन रहिला दैट विल कन्वर्ट इनटू आइला आई टू समिति यदि HBr थिबो ताले 2 मोल्स ऑफ HBr अगेन ट्रीटेड विथ नेसेंट ऑक्सीजन टू गिव H2O प्लस Br2 बुझियाला ताले कौन कहली ताले ए प्रोसेस रे आमे HBr और HI को तैयारी करि परबा नाही कारण तांकर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम से माने गुड रिड्यूसिंग एजेंट H2SO4 गुटे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो तांकर भीतर रिएक्शन हि जीवो HF आना HBr और HI विल कन्वर्ट इनटू I2 इन Br2 फॉर्म बुझियाला ताले को ताले पॉइंट ताले को बढ़िया क्वेश्चन ता पढे बजार परीक्षा रे बारंबार रे लेखो HBr and HI, HBr and HI cannot be prepared, like HF and HCl, because these are good reducing agent. These are good reducing agent and sulfuric acid behave as a good oxidizing agent due to this fact HBr and HI will convert into Br2 and I2 form बुझेला भलस मन नोट कर क्वेश्चन बारंबार पचारे क्लियर तो इक्वेशन
तो बर्तमान जदि प्रोसेस 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 यूज करी तो तार डिमेरिट देखिए असुविधा कौटी से नहीं ना असुविधा गोटे गुड रिड्यूसिंग एजेंट एच बी आर टा गोटे गुड रिड्यूसिंग एजेंट एच क्यू एस अफ बोर्ड गोटे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज आउ रिड्यूसिंग एजेंट है रिएक्शन यूज तो आई क्यू आउ बीआर से कौन मोटी यूज अच्छा मुझे यहाँ तो डेफिनेटली मुझे करी मैंने मोर रिड्यूसिंग एजेंट बाहर मुझे जो रिएजेंट नौ कैटालिस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जगह जो गोटे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं नी तले प्रोडक्ट भी रिड्यूसिंग कैटालिस्ट भी रिड्यूसिंग 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 भर रिएक्शन हो पार कि रिड्यूसिंग भर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम ऑक्सीडेशन सहित रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्शन कर बट रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन भर रिएक्शन हम ना बुझेगा ताले एडी एच टू एस ओ फोर जो रिएजेंट नौल इनस्टेड ऑफ दैट वी कैन यूज ए रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज एस थ्री पी ओ फोर जो यूज करवा रिएक्शन आउ हम ना बुझे कौन कर सोडियम ब्रोमाइड ने ना एन ए आर ने ना रिएक्शन करवा सहित एस थ्री पीओ फोर सहित ट्रिटमेंट करवा दैट इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट एच अच्छी तुम तीन टा ब्रोमिन दरकार तीन टा थ्री मल्टीप्लाई कर देली एच और ब्रोमिन सहित कंडेन्स प्रडक्ट हो थ्री एच बी आर एन ए कंबाइन कर फर्स्ट सहित प्रडक्ट हम तुम एन ए थ्री पीओ फोर बुझीगला तो ये प्रोडक्ट पाइल दिस इज ए रिड्यूसिंग दिस इज ऑल्सो ए रिड्यूसिंग तो रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग आउ फर्दर रिएक्शन हम ना बुझीगला तो इट इज ए स्टेबल प्रोडक्ट हो तो बर्तमान सामने एन ए आई नहीं हवा एन ए आई थ्री मोल्स नहीं हवा एस थ्री पीओ फोर बोले कौन प्रोडक्ट हम तुम हम थ्री एच आई प्लस एन ए थ्री पीओ दिस इज द फाइनल रिएक्शन है तो स्टेटमेंट लेख दल स्टेटमेंट इन प्लेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इफ इफ वी यूज रिड्यूसिंग एजेंट लाइक एस थ्री पीओ फोर इफ यू यूज रिड्यूसिंग एजेंट लाइक एस थ्री पीओ फोर देन द प्रोडक्ट एच बी आर एंड एच आई The product HBr and HI will stable. Stable ki rahibo. Bujhiyala. Bolse bujhcha to tale preparation bolse bujhiyala. Clear. Write down the reaction. Acha. Next ku jiba tale. Ye thila tomar simple preparation of HBr, HF, HCl au kono HI. सबुठ गोटे बेस्ट मेथड एच बी आर तैयारी करने इंडस्ट्री यूज करा जाए दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटालिस्ट तो हाइड्रोजन सहित ब्रोमाइन कंडेन्स हुए इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटालिस्ट टिके स्ट्रॉन्गली हीट करा जीवो एडे एच ब्रोमीन सहित कंबाइन करके कौन हम तुम एच बी आर प्रोडक्ट देते हैं तो इंडस्ट्रियली मोस्ट मोस्टली यूज्ड एटा प्रिपेरेशन करा जाए तो लेखो एटा तरह की स्टेटमेंट दे लेखो व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड देन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्रोडक्ट देन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्रोडक्ट हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्रोडक्ट क्लियर राइट ऑन द इक्वेशन अच्छा नेक्स्ट बुझा फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट देखिबा HF, HCl, HBr, HI रो को स्टेट रे माने रुवंती हला अच्छा तमे केमिकल बॉन्डिंग रे पड़ी दिबो हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड कहां भीतर फॉर्मेशन हुए मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम
more electropositive hydrogen atom combine with more electronegative atom, more electronegative atom. एटा कौन कौन ही करिबो फ्लोरी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन देले आंको भीतर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लस और माइनस भीतर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थाय दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड तो हाइड्रोजन बॉन्ड नॉर्मली केजी करे फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन सम केसेस क्लोरीन भी फॉर्मेशन करे इफ इफ इट्स अल्फा कार्बन कंटेन स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप देले क्लोरीन करि पारिबो नले आ कोनो से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करे नाही तो हाइड्रोजन आ वाला तुम एई वाला एटम सहित तुम्हारा कौन हुए स्ट्रांग अट्रैक्शन हुए व्हिच इज मेंशन एज हाइड्रोजन बॉन्ड क्लियर तो बर्तमान मोर ए पॉइंट कहवार कथा ना तुम्हारा एटी वाला एचएफ फ्लोरीन अछि तले बड़ा हाइड्रोजन आमे फ्लोरीन नै गेल तले फ्लोरीन और हाइड्रोजन के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के तुम्हारा फ्लोरीन हाइड्रोजन तले कौन हो पॉजिटिव ही जीवो समझ आउट हाइड्रोजन फ्लोराइड नै गेल तले डेल्टा नेगेटिव एटा कोन जीवो डेल्टा पॉजिटिव कलाइज नेगेटिव और पॉजिटिव रोड स्ट्रांग अट्रैक्शन हो कि नहीं दैट स्ट्रांग अट्रैक्शन इज मेंशन एज की वन तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड दैट मींस इन केस ऑफ वन मोल ऑफ एचएफ एंड इन केस ऑफ अनदर मोल ऑफ एचएफ देयर इज अ स्ट्रांग फोर्स व्हिच इज अट्रैक्टिंग देम एंड बाइंडिंग देम स्ट्रांगली दैट फोर्स इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड बुझेला बट इन केस ऑफ अदर हैलोजन केसेस लाइक क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन दे हैव कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक साइज एंड साइज से कौन छ बोलू छ If size increases, then definitely electronegativity decreases. Size बढ़ियो ना electronegativity कौन होगा कमी बो? जब ये electronegativity कमी ला, size बढ़ी ला, that type of atom is unable to form hydrogen bond. सर जोड़ा तो मैं पढ़ी क्या स्थिति बो? Nitrogen का electronegativity 3.0, chlorine का electronegativity 3.0, दीजान का electronegativity समान. But nitrogen able to form hydrogen bond, whereas chlorine is unable to form hydrogen bond. ऐडा ला first year पढ़ाई थी. अगेन जे को जो दिजन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान तो दिजन का हाइड्रोजन बॉन्ड करबा कथा किंतु नाइट्रोजन करबो क्लोरीन करबो नाही आर रीजन हो जे क्लोरीन दो साइज नाइट्रोजन दो साइज टू बडो तले हाइड्रोजन बॉन्ड करिया पाई खाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट ए सफिशिएंट रीजन आर बेबी तो रीजन होवा दरकार छोटो साइज होवा दरकार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बेसी होवा दरकार बुझला तो क्लोरीन दो साइज बडो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ता तुलना रे तो ब्रोमीन दो आहु साइज बडो तो डेफिनेटली मन को साइज ता कम जो बडो जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उची तो हाइड्रोजन बॉन्ड समान कर परिबे नाही ताले वन कंपाउंड भितरे ए केस रे कोन हो तमरो ए केस रे हो तमरो वीडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज अंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बुझेला तो वैन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड से जो कंपेयर करबा इट इज वेरी माइनर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी माइनर फोर्स वेरी लेस फोर्स तो आको आसे त हम कंपेयर कर परबा नाही बुझेला तो जे तो स्ट्रांग अट्रैक्शन हो जी दैट्स व्हाई एचएफ इज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म एंड दीज आर प्रेजेंट इन गैस फॉर्म बुझेला तो लेके तोले फर्स्ट पॉइंट एचएफ प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट बाय लिक्विड फॉर्म Where is other halogen acids? Where is other halogen acids are present in gaseous form? It is due to presence of strong intermolecular hydrogen bond clear tab ei ta bond ta ko dekhebo tara hydrogen bonding ta acha next our point like physical state rate these are colorless mane all halogen acids are colorless tangara konosi color nahi all halogen acids are colorless clear to next point ko ame move kariba next point hole ko stability seven stable hobe ki unstable hobe seta dekhiba hota stability acha गोटे कंपाउंड रो स्टेबिलिटी कहाँ पे डिपेंड करिबो ताकरो बॉन्ड
स्ट्रेंथ ऊपर डिपेंड करिवो का पे डिपेंड करिवो बोन स्ट्रेंथ लाइक मु जों को सहित बॉन्डिंग करछ तो जे हम दि जों को भीतर बॉन्डिंग द स्ट्रांग बोन हिबो ताले सेटा कोन हो मोस्ट दिसबो जदी जों को आ जों को भीतर बॉन्डिंग द वीक बॉन्ड हिबो एनी मोमेंट रो सेटा खानि जाई पारे हकिना तो स्टेबल होवा पई डेफिनेटली दि जों को भीतर केमिस्ट्री आ बॉन्डिंग सो स्ट्रांग रहबा दरकार हकिना तो वर्तमान हमें देखिबा HF HCl HBr और HI रो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखिबा तो एटी तो हीरो हीरोइन होती ना हम केमिस्ट्री को आछो एटी देखा जीवो गोटे एटम आउ एटम रो ओवरलैपिंग का देखा जीवो ओके ना कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री करछो भी इक्वली कंट्रीब्यूट करछो कि इक्वली ओवरलैप करछंती ओके ना तो वर्तमान हाइड्रोजन गोटे स्मॉल साइज फ्लोरीन भी तमरो गोटे स्मॉल साइज जदि दीटा स्मॉल साइज एटम आसंती त ये ता भीतर जति एरिया ऑक्युपाई करिवो तार रे एरिया ऑक्युपाई केते रहबो समान समान दैट मींस एमन को भीतर की बोन हो तमरो स्ट्रांग बोन जदि साइज डिफरेंस बढे जोडा एटी देखा जाय छोटो साइज को ये हेला बडो साइज तो ओवरलैपिंग करिवो बट आर बेसी एरिया कवर हो जो आर अल्प एरिया मात्र कवर हो जोडा इफेक्टिव ओवरलैपिंग ये ताको बांधी की रखि परिवो नाही बुझल कि नहीं दैट मीन्स आंक की बंड हम तुम दुर्बल विक बंड फॉर्मेशन हो जब विक बंड एनी काइंड ऑफ आउटरनल सोर्स ने से ब्रेक कर जो ओके ना तो ये ब्रेक कर जो माने हमें कोई परिणाम दिस इज नॉट स्टेबल ताले आंक में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा जाए ताले सॉल्टर मोर स्टेबल किया हो तुम एच आ सॉल्टर लेस स्टेबल किया हो तुम एच आई ताले ऑर्डर कौन हो एच एफ एस सी आर एच बी आर एच आई बुझियाला ना बुझियाला नहीं देखो ताले स्टेबिलिटी देखो स्टेबिलिटी ऑफ हैलोजन एसिड डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग between two atom in case of HA there is a small size difference between hydrogen and fluorine that's why they shows effective overlapping and generate a strong bond this was effective overlapping and generate a strong bond hence HF is more stable in compared to other halogen acid द स्टेबिलिटी ऑर्डर इज तापरे ताको बॉक्स करके लिखियो एमिति बर्तन में बहुत सारा ऑर्डर कहबे से ऑर्डर गा ही परीक्षा रे पचारियो द स्टेबिलिटी ऑर्डर इज HF ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन SI क्लियर नेक्स्ट पॉइंट एडिंग करो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ना दीटा एटम भीतर जो बॉन्ड था ताको भांगीवा पई जो एनर्जी दरकार दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जदि स्ट्रांग बॉन्ड तो डेफिनेटली भी सेम एनर्जी दरकार जदि वीक बॉन्ड तो और एनर्जी दरकार हां कि ना क्लियर तले हम कोई करबा तले बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ बाने कोई करबा स्टेबिलिटी तले बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी इफ ए कंपाउंड इज मोर स्टेबल दैट मींस इट हैज हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इफ ए कंपाउंड इज लेस स्टेबल दैट मींस इट शोस लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तले जते स्टेबिलिटी बढ़िबो सेते बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़िबो हमें वर्तमान आलोचना करके स्टेबिलिटी ऑर्डर
तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जहां हो ताले बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से आवे कि नहीं ताले वो सब हमर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रो ऑर्डर कोन हो एचएफ ग्रेटर देन कोन हो एचसीएल ग्रेटर देन कोन हो एचबीआर ग्रेटर देन कोन हो एचएल जान पाला ना कोन कहली स्ट्रांग बॉन्ड माने भांगिया पई बेसी एनर्जी दरकार वीक बॉन्ड भांगिया पई कम एनर्जी दरकार बुझियाला लेखो ताले पॉइंट लेखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हैलोजन एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ एचएक्स बॉन्ड स्टेबिलिटी ऑफ एचएक्स बॉन्ड Hence, the order of bond dissociation energy is HF. Ita total ita uthe diyo. Clear? Acha. Next, diva bond dissociation energy pare. Bond dissociation energy pare move kuriya ame. डाइपोल मोमेंट व्हाट डू मीन बाय डाइपोल मोमेंट लेट गुडे एटम ए आउडे ए भीतर बॉन्डिंग होई छी आउडे ए तमरो एक्स भीतर बॉन्डिंग होई छी प्रथम केस रे दीटा एटम सेम होई ए जे बॉन्ड का फॉर्मेशन होई छी बोथ हैव इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तुम्हारे गोटे इलेक्ट्रॉन देछि ये भी तुम्हारे गोटे इलेक्ट्रॉन देछि ओके दैट मींस ए ए बॉन्ड भीतर तुम्हारे दीटा इलेक्ट्रॉन अछि जेतु समान दीटा एटम तले अटैकिंग पावर जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी को आ जाए दिजों को समान आबो कि नहीं तले आर जो तो अट्रैक्टिव फोर्स थी वो आर अभी सिद्ध की अट्रैक्टिव फोर्स थी वो व्हिच आर कैंसिल टू ईच अदर इज बोला कि नहीं ये जत की काउंट हो सी भी सिद्ध की काउंट हो दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन सेंटर नाइदर शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन नाइदर शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन क्वार्क से जीवो नहीं बुझला का माने ए साइड रो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए साइड रो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोन हो इक्वल दिस इज कॉल्ड एज नॉन पोलर ताको कोन कह जाय नॉन पोलर बोली कह जाय क्लियर किंतु ए एक्स केस रे इक्वल साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए गुडे दिस एक्स गुडे दिस आको दिजों को भीतर दीटा इलेक्ट्रॉन अछि एंती का किंतु दीटा एटम समान नहीं ए गुडे एक्स गुडे डेफिनेटली जाने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी समान नहीं नथियो केबे भी अलगा लाइन दैट मींस जने जोर से टांग तो जने कम जोर टांग थबो जने टाणी नबो आ जने देई दबो बुझी पाले नि तले जे स्ट्रांग टाणी लेट एयर ऑफ पावर एक्स टू बेसी तले इलेक्ट्रॉन दे पुने बॉडी जे पुने कोन मु तुम कमी जबो तले टाइम को डेल्टा नेगेटिव बेटा कोन जबो डेल्टा पॉजिटिव दिस इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट द इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स वन पोल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स वन पोल एंड जनरेट वन पोल नेगेटिव एंड जनरेट अनदर पोल पॉजिटिव डाइपोल दीटा पोल रो दुइरो को चार्ज जनरेट हेगला वन नेगेटिव चार्ज अनदर वन इज पॉजिटिव चार्ज दैट इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट बुझे लगे नहीं तो पोलारिटी डिफरेंट हवा माने माइनस और प्लस हबो दैट मींस डाइपोल मोमेंट हम लिख परबा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आउ आमे स्मॉल साइज भी कोई परिया स्मॉल साइज उडे एटम रो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैसे डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन वैसे चाहिबो डाइपोल मोमेंट कर वैसे हो उडे एटम छोटो एटम थिबो न्यूक्लियस आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन रो पाकरे थिबो ताने इलेक्ट्रॉन ताको भी जोर से चाहिबो एटम तो पड़ी जीवो न्यूक्लियस रो इलेक्ट्रॉन निजो रो इलेक्ट्रॉन थु दूर रही गला तो तार इलेक्ट्रॉन को कोन टाणी बसे बुझ पाचना नहीं ता छोटो एटम जोर टाणीबो बेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जोर टाणीबो बुझेला तो ए बेटा कांसेप्ट लेरे हम ठीक से बुझी गेले त डाइपोल मोमेंट बुझिला तो वर्तमान एच एफ एच सी एल एच बी आर एच आई ओके ना फ्लोरीन रो डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तमे बेसी जान छटा आ तार छोटो साइज भी स्मॉल साइज बेसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ताले इलेक्ट्रॉन डॉक्सी तार को टाणीबो कि नहीं तो टाणीबो माने बेसी इलेक्ट्रॉन रे बुझी जीवो अरे बुझु छ ताले एटा मोर नेगेटिव होबो एटा मोर पॉजिटिव होबो जते नेगेटिव होबो या सते पॉजिटिव भी होबो किंतु ता तुलना रे क्लोरीन को देखो साइज बढी गला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम गला तो आरो पोलर अट्रैक्शन को ना हमरे आबो कि
ताले देखुच कौ तौकू तौकू जो आऊँगी सैज बढ़ुची इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कमुची ताले तार एट्राक्शन टुवर्ड द सैड पेयर इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कमी कमिका जीव दैट मीन्स दैट मूवमेंट कमी कमिका जीव हेलो अर्डर ऑफ द डाइपोल मोमेंट पचारे सब डाइपोल मोमेंट कह बेस हम तापरे कार हो एच सी एल तापरे कार हो एच बी आर तापरे कार हो एच आई दिस इज द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट बुझीगला लिख दल डाइपोल मोमेंट ऑफ हैलोजन एसिड डाइपोल मोमेंट ऑफ हैलोजन एसिड डाइपोल मोमेंट ऑफ हैलोजन एसिड डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज ऑफ एटम स्मॉल साइज विथ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शोज हायर डाइपोल मोमेंट In case of halogen family, down the group, size of atom increases with decrease of EN. EN means electronegativity. Hence, dp also decreases. dp means dipole moment also decreases. Clear? So the order of dipole moment is এটা লেখো HA greater than HCl greater than HBr greater than HI. This is the order of dipole moment. Clear? Next heading করো acidic strength. Acidic strength. What do you mean by acidic? Any substance which has capability to donate H plus ion, that is called as acidic. Jara H plus ion dawara khomota achi, tako acid boli kuha jai. To halogen acid, tomar dabo H plus ion. Tara mane a bond pa ame bhangiba. No bhangile kon H plus ion varibo ki? Bhangile to jai H plus ion varibo na. भांगीवाला कथा उठिला जदि ताले मते देखिबा को पड़िबो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ओके ना जदि अल्प एनर्जी दरकार ताले शीघ्र एच प्लस आयन मारिबो जदि बेसी एनर्जी दरकार ताले धीरे धीरे एच प्लस आयन मारिबो बुझियाला ताले लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हायर विल बी एसिडिक कैरेक्टर हायर विल बी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लोअर विल बी एसिडिक कैरेक्टर बुझियाला कि नहीं बुझियाला अच्छा ताले बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहां पे देखी काढा जाए स्टेबिलिटी ऑलरेडी हमें डिस्कशन कर सकते स्टेबिलिटी कहां पे देखे डिसाइड करा जाए दिजो एटम का ओवरलैपिंग को देखिए डिसाइड करा जाए ओके ना स्मॉल साइज हाइड्रोजन और क्लोरीन साइज डिफरेंस कम ताले ओवरलैपिंग स्ट्रांग जब स्ट्रांग ओवरलैपिंग ताले बॉन्ड स्ट्रांग स्ट्रांग बॉन्ड बॉन्ड को भांगे पे बेसी एनर्जी दरकार जब एच प्लस आयन रो लिबरेशन कम जीव एसिडिक कैरेक्टर तार कौन है ला कमी गला क्लियर किंतु एच आई देखो हाइड्रोजन आयोडीन में तो साइज डिफरेंस बहुत बेसी ओवरलैपिंग कमी ला ओवरलैपिंग कमी ले बॉन्ड स्ट्रेंथ कमी जीवो बॉन्ड स्ट्रेंथ कमी जीवो जो अल्प एनर्जी दिले भांगी जीवो एच प्लस आयन संगे संग भाग जीवो होंगे ना ताले एसिडिक बेसी जीवो ना नहीं ताले ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ताले कौन हो एच आई तापे कौन हो एच बी आर तापे कौन हो एच सी एल तापे कौन हो बुझिया लिख ताले एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड डिपेंड ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन एच एंड एक्स lower bond dissociation energy higher will be acidic character higher will be
acidic character. Hence, the order of acidic strength is. Hence, the order of acidic strength is HI. Eta. This is the block mark. Eta go not discover. তাহলে কেতে অর্ডার পাইছি পুরা মার্ক করি অর্ডার কু মনে রাখব সব তোমার সিএচএসি রে বি পড়িব কোশ্চেন তো ইভিন তোমার এন্ট্রান্স রে ডাইরেক্ট পচার দিয়ে কোশ্চেন আচ্ছা নেক্সট যে রিডিউসিং নেচার রিডিউসিং নেচার রিডিউসিং নেচার acidic or reducing both are same concept acid mane h plus ion laba reduce or jonku koribo ta mane h deki jonku reduce koribo that means acidic and reducing are same principle di jon sara h plus ion debe ye h plus ion deki more acidic hobo ye h plus ion deki more reducing order hobo okay na ta mane ame reducing character directly proportional to kon kai pariba tale acidic character তাহলে অ্যাসিড ক্যারেক্টার অলরেডি এবে পড়িয়ে আসলে তাহলে রিডিউসিং নেচার অর্ডার বি এক্স্যাক্টলি কো হব সেম ক্লিয়ার দেখো তাহলে আউট পয়েন্ট রিডিউসিং প্রপার্টি অফ হ্যালোজেন অ্যাসিড রিডিউসিং প্রপার্টি অফ হ্যালোজেন অ্যাসিড সেম এজ সেম এজ সেম এজ অ্যাসিডিক ক্যারেক্টার same as acidic character clear likho block ta likho sari gala tapra next heading karo boiling point boiling point boiling point বয়লিং পয়েন্ট অফ হ্যালোজেন অ্যাসিড বলছে বুঝিও এটা বহু সময় পরীক্ষার এটা কোশ্চেন বলে বয়লিং পয়েন্ট অফ হ্যালোজেন অ্যাসিড হলো দেখো বয়লিং পয়েন্ট অফ হ্যালোজেন অ্যাসিড জনকা কো বয়ল করিবা বয়ল করিবা মানে তাঙ্ক ভিতরে যদি বন্ড স্ট্রং তাহলে কোন হবে তোমার গুটে এটা হলো তোমার এইচএফ ক্লিয়ার বয়ল মিন্স বহু সারা হ্যালোজেন অ্যাসিড গুটে এইচএফ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ এইচএক্স কম্পাউন্ড আছে That means गोटे HX attraction out HX attraction को देखा जीपो। ताको इधर attraction जो कि strong attraction पहले boiling point कौन आलो high हो। जो कि ताको दीजो को इधर attraction weak अच्छी ताले boiling point कौन है जीपो? ताले जो halogen acid अच्छी HF that will able to form hydrogen bond ताले तो strong attraction ना ताले हम clear ये गला आरो boiling point सोल्ड highest हो। ये गला बाकी रहेगा तो हमारा HCl out रहेगा HBr out रहेगा कौन? HI এমনকি হাইড্রোজেন বন্ড করি পারিবে নাই যদি হাইড্রোজেন বন্ড করিবেন তাহলে করিবে কোন ভ্যান্ডারওয়াল ফোর্স ভ্যান্ডারওয়াল ফোর্স কাহা কি ডিসাইড করা যায় সাইজ অফ এটম যেতে এটম রো সাইজ বড় সেতে তার সারফেস এরিয়া যেতে সারফেস এরিয়া বড় বেশি তার পোলার রেজিবিলিটি বেশি তাহলে অ্যাট্রাকশন পাওয়ার বেশি হবে ওকে না তো এই দৃষ্টি রে বলে আয়োডিন এর সাইজটা সবটু বড় হবে ম্যাক্সিমাম তার মানে আর ভ্যান্ডারওয়াল ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন সবটু অধিক ক্লিয়ার হয়ে গেল তারপরে কি আসবে ব্রোমিন তারপরে কি আসবে সিএম ওকে না যদি অর্ডার সাজাইবা আমি তাহলে কোন হবে এইচএফ সবটু হাইয়েস্ট ওকে না তারপর হইলা এসসিএল তারপর হইলা কি এইচবিআর তারপর হইলা কোন এইচআই তাহলে এই তিন জন মধ্যে হাইয়েস্ট কি তোমার এইচআই তারপরে কি এইচবিআর তারপরে কি এসসিএল দ্যাট মিন্স এসসিএল রো সবটু লোয়েস্ট সবটু কম সবটু হাইয়েস্ট কি এইচএফ বুঝিয়া তাহলে যদি প্রপারলি আমি তো সদি কি লিখিবা তাহলে হবে এইচএফ হাইয়েস্ট তারপরে কি আসিব এইচআই তারপরে কি আসিব এইচবিআর তারপরে কি আসিব এসসিএল এমিতি বি অর্ডার নি থাকে কারণ ইফিউজ করিবা পাই তো এই অর্ডারটা লিখ দিলি এই অর্ডারটা লিখ দিলি হ্যাঁ গোটে অর্ডার মনে রাখিব নি কেবে বি আই কোশ্চেন যে কোন আসি কোশ্চেন বি পঠাই পারি তো লেখ তাহলে বয়লিং পয়েন্ট অফ হ্যালোজেন অ্যাসিড boiling point of halogen acid decide on the basis of intermolecular force of attraction between b
between HX compound. HX shows highest boiling point due to strong intermolecular hydrogen bond. Strong intermolecular hydrogen bond. Then HI shows second highest boiling point. It is due to higher van der Waals force of attraction. Higher van der Waals force of attraction hence the order of boiling point is either this or this dita sara ekagatha representation alaga alaga clear acha last part jiba ame etching of glass glass ko etch kariba means glass re design kara jae kata jae na ko designing kara jae glass basically to bibhinno designing thai chitra kari jo khadei khadei thibo to e designing ta bahut sara method achi one of the simple method dekho kon e halogen acid HF ko use kariki glass ko etch kara jae man kati jae aur bibhinno design kara jae अच्छा केमती हो केमी काटा जाए ना कौन कर गैस गैस मटेरियल ये ग्लास मटेरियल रे हमें चाहूचे एमती का गोटे डिजाइन करने चाहूचे एमती गोटे डिजाइन डेलेट करने चाहूचे क्लियर तो कौन करे एमती कौन कर ग्लास वाक्स दे दिया जो वाक्स जानते मुह वाक्स को चार कोटिंग कर दिया जाए मैं चार लेटी दि जाए मुह है तापर कौन करीडिल गोटे नहीं प्रथम निडिल तुम जो डिजाइन करने चाहो से निडिल तुम जमी स्केप करने चाहो फुल काटे चाहो सेमिल उल है निडिलटा जो जो आकार कवर करके आकार वाक्सटा कौन हो सफाई जीवन आ बाकी जगह एरिया वाक्स अच्छी वाक्स लगे कारण कौन वाक्स इज इनट टू एच माने एचएफ वाक्स सहित रिएक्शन कर पारे नहीं बट इट इज एबल टू रिएक्ट विथ ग्लास ग्लास सहित रिएक्शन कर पारिबो ग्लास मीन सिलिका थी आ भीतर सिलिका सहित रिएक्शन कर पारिबो बट वाक्स सहित रिएक्शन कर पारिबो नहीं वर्तमान एचएफ उठाई दे जोटा भीतर यदि भीतर डिजाइन करतो तले भीतर चित्र होइतो भीतर डाल दो यदि बाहर डिजाइन करिया पय जाउतबो तले टाकु करके बुढी दो एचएफ भीतर ओके ना तले ये बाकी जारा एरिया रे रिएक्शन करिवनी बट जो एरिया रे सफा हिजी नेडिव द्वारा सेड पर्टिकुलरली ग्लास रे कांटेक्ट रे से रिएक्शन हबो से रिएक्शन रे कोन हबो ना SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड से तो सिलिका सहित रिएक्शन करिवो एचएफ अच्छा सिलिकॉन रो वैलेंसी केते तुम चार फ्लोरीन केते दरकार ता पई चार दरकार तो एटा कोन आगला तले 4HF नि आगला तो दी चार दीटा हाइड्रोजन बडो बोली की पई वाटर तले केता वाटर हिजबो 2H2O प्लस हिजबो SiF ओके सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जेत सिलिकॉन रो एम्प्टी डी ऑर्बिटल है छी इट हैज एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर आउट नहीं करियो से तो फर्दर अदर रिएक्शन हिजबो SiF प्लस 2HF से अगेन रिएक्शन करबो टू गिव H2SiF6 which is called as hydrofluorosilicate kon ko jae hydrofluorosilicate tale final reaction kon this is the reactant part this is the sorry this is the reactant part this is the product part condensation group okay na reactant of product side kon sa din so chi kat diya gala baki din so le ro reactant reactant side of product product side ro tale final product kon hobo SiO2 plus here चार ये अलग दुई कहते जो सिक्स एच एफ तो फाइनल प्रोडक्ट कौन गला एच टू एस आई एफ सिक्स प्लस टू एच टू
बुझीगला ना बुझीगला नहीं तो ए रिएक्शन ए एरिया रही जीव जोटा से क्लास को कम करिवो ठीक ठीक काट काट दे दो हला ब्लड डिजाइन बुझ पालो दिस इज कॉल्ड एज इचिंग ऑफ ग्लास एडा बहुत सवाल परीक्षा रे बहुत पड़े व्हाट इज इचिंग ऑफ ग्लास हला देखो ताले बाय यूजिंग हाइड्रोजन फ्लोराइड by using hydrogen fluoride suitable designs are drawn on glass material clear dekho tapre HF reacts with SiO2 to give hydrofluorosilicate that is called as etching of glass clear तो वर्तमान ए इक्वेशन टा पूरा टोटल उठे दो क्लियर तो ये थिला आज डिस्कशन रो पार्ट थिला तमरो हैलोजन एसिड रो प्रिपरेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी को हमें देखिलु तो नेक्स्ट क्लास में हमें इंटर हैलोजन कंपाउंड को मूव करियो दैट्स ऑल थैंक यू बहुत से नोट करियो पढ़ो